स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एक्टिवन। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे आप लोग को पहले ही हम दिखाए थे कि आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, रेगुलर का और सप्लीमेंट्री का, और थर्ड सेमेस्टर का सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम होगा, जिसका डेट आपको दिखाए थे हम कि आपका 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है एग्ज़ाम, और आपका फोर्थ सेमेस्टर का रेगुलर वाला का और सप्लीमेंट्री वाला का एग्ज़ाम चल रहा है 6 से लेकर 9 तक चलेगा। तो यहाँ देखिए उसी रिलेटेड एक अपडेट आया है, एक नोटिस जारी किया गया है एमसीटी की तरफ से। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम को लेके ही यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया। तो क्या है इस नोटिस में, क्या कहा गया है इस नोटिस में, पूरा डिटेल से देखेंगे और नोटिस को डाउनलोड करके अभी आपको पढ़ के भी सुनाएंगे कि क्या कह रहा है इस नोटिस में, क्या क्या कहा गया है और किस लिए कहा गया है, तो वो सब चीज़ अभी हम देखेंगे। तो आप भी मेरे साथ बने रहें, पूरा वीडियो को देखिए अंत तक, ताकि आपको डिटेल से समझ में आएगा कि क्या अपडेट है अभी आपका जो बीएड का फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम है उसको लेके। तो आइए चलते हैं सबसे पहले इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे और आपको दिखाते हैं आज का जो नोटिस है वो नोटिस को डाउनलोड करके। तो देखिए, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई बीएड रिलेटेड अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप उस अपडेट को पा सके और अपडेट रह सके। हम मेरा मकसद है आपको अपडेट रखना, इसीलिए हम ये चैनल को बनाए हैं। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, ताकि आपको पल पल अपडेट मिलते रहे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इनका ऑफिशियल जो साइट है इस पे आ गए हैं एमसीटी का। और यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको क्या करना होगा, इस तरह से स्क्रॉल करना होगा और नीचे आना होगा। नीचे देखिए यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा आपको, करेंट नोटिस सेक्शन। करेंट नोटिस सेक्शन में यहाँ पे एक नोटिस जारी हुआ है। देखिए इस नोटिस में क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे इस नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए नोटिस में क्या कहा है, पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, नोटिस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रैक्टिकम मार्क्स, यानी कि प्रैक्टिकम मार्क्स के लिए यहाँ पे आपको नोटिस जारी किया गया इंटरनल प्रैक्टिकम मार्क्स के लिए। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं, अभी आपका देखते हैं कि क्या कह रहा है इस नोटिस में। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये नोटिस डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होने के बाद इस तरह से पीडीएफ के फॉर्म में आपका फ़ोन में ओपन होगा, इसको खुद से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे डेट दिया है, देखिए ये 12/8 को रिलीज़ हुआ है, ये नोटिस जारी हुआ है। तो 12/8 को ये नोटिस आपका जारी हुआ है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है नोटिस में देखिए यहाँ पे शुरू से स्टार्ट से आपको पढ़ के सुनाते हैं, देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए ये पूरा नोटिस है, नोटिस में यहाँ पे कहा गया, इट इज़ हेरबाय नोटिफाइड टू ऑल प्रिंसिपल TIC OIC ऑफ एफिलिएट कॉलेज अंडर WBUTTP दैट एक्सटर्नल एंड इंटरनल मार्क्स प्रैक्टिकल मार्क्स ऑफ BEd फोर सेमेस्टर रेगुलर एंड सप्लीमेंट्री टू एग्जामिनेशन 2022 एंड BEd थर्ड सेमेस्टर सप्लीमेंट्री वन एग्जामिनेशन 2022 विल बी सबमिशन वाया ऑनलाइन पोर्टल 26/8/2022 से लेके आपका 9/2/2022 बाय द कॉलेज। मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स होता है वो एमसीटी को ऑनलाइन के माध्यम से कॉलेज को भेजना पड़ेगा, आपका मार्क्स जो होता है इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब प्रैक्टिकल मार्क्स और थ्योरी का मार्क्स, दोनों मार्क्स आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो एमसीटी को भेजना है कॉलेज के द्वारा, तो कॉलेज को यहाँ पे नोटिस दिया गया है एमसीटी की तरफ से, कॉलेज द्वारा नोटिस जारी हुआ है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि देखिए क्या कह रहा है कि आपको 26/8 से लेकर 2/9 तक इनको डेट दिया गया है कि इस डेट तक आप अपना प्रैक्टिकम और असाइनमेंट का जो मार्क्स है वो भेज दीजिए एमसीटी को। और उसके बाद देखिए फिर आगे कह रहा है, यहाँ पे आगे कह रहा है कि कंसर्न ऑथोराइज्ड आर एडवाइज्ड टू बी अलर्ट एंड केयरफुल विल अपलोडेड द मार्क्स ऑफ द पोर्टल फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट। एमसीटी विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड मिस्टेक डन ऑन पार्ट ऑफ कॉलेज। मतलब यहाँ कह रहा कि आप जब भी किसी स्टूडेंट का मार्क्स जो है सबमिट करें ऑनलाइन एमसीटी को, तो यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक सबमिट करना है। अगर आपका कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है तो ये जो है मिस्टेक होने के बाद क्या करेगा कि कॉलेज को ही इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, वो एमसीटी इसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा, यहाँ पर यही कह रहा। तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है वो आपका एग्ज़ाम हो रहा है 6 से लेकर 8 तक चलेगा फोर्थ सेमेस्टर का, ये आपका 6 से लेकर 8 तक चलेगा, मतलब कि 6/9 से लेकर 8/9 तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो ये आपका सितंबर में एग्ज़ाम हो रहा है, 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक फोर्थ सेमेस्टर का रेगुलर का और सप्लीमेंट्री का, और फिर थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है ये 9 तारीख तक चलेगा, मतलब उसी बीच में सबका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर आपका पहले ही यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल मार्क्स जो है प्रैक्टिकम और थ्योरी का मार्क्स ये जमा करने के लिए कॉलेज के द्वारा कहा गया है।
एग्ज़ाम के पहले ही उन लोग मार्क्स को आपका यूनिवर्सिटी को सेंड कर देंगे और आपका जो है यहाँ पे एग्ज़ाम होगा बाद में। तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया अच्छा से, तो आप अपना कॉलेज से कांटेक्ट कर लीजिएगा कि सर ये नोटिस जो है किस रिलेटेड है, यहाँ पे पहले ही सबमिशन हो रहा है इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम के पहले ही यूनिवर्सिटी कॉलेज से मांगा है स्टूडेंट का मार्क्स, तो कैसे ये होता है अच्छा से जानकारी नहीं है, तो आप कॉलेज से संपर्क करके इसके बारे में डिटेल जान लीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एग्ज़ाम के पहले ही जो इंटरनल एक्सटर्नल प्रैक्टिकम और थ्योरी का मार्क्स है वो भेजने के लिए कहा गया यूनिवर्सिटी के द्वारा सारे स्टूडेंट का, और यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर रेगुलर का और आपका सप्लीमेंट्री दोनों के लिए कहा गया, और थर्ड सेमेस्टर सप्लीमेंट्री वन के लिए भी कहा गया। तो ये पहले ही मार्क्स ले रहा है और एग्ज़ाम आपका बाद में होगा, और जबकि कहा गया कि एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा, तो ऑफलाइन क्या होगा, आपका होम सेंटर में ही एग्ज़ाम होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है कि आपको घबराने का ज़रूरत नहीं, जो स्टूडेंट ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा तो कैसे एग्ज़ाम देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, अच्छा मार्क्स आएगा कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए हमको लगता है कि यहाँ पे पहले जो आपका मार्क्स पहले ही यूनिवर्सिटी को भेजा जाएगा, तो यहाँ पे हमको लगता है कि सबको एवरेज मार्क्स मिलेगा, किसी को कम बेसी नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत दो चार नंबर कम बेसी मिल सकता है, तो सभी को एवरेज मार्क्स दिया जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन, ये आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जा रहा है, लेकिन इनसे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है पहले ही बाद में हो रहा है और आपका जो है मार्क्स पहले ही सेंड कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी को। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आराम से अपना एग्ज़ाम को दीजिए। 6 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, 9 तारीख तक चलेगा। तो इसमें ये नोटिस में देखिए यही कहा गया, और देखिए जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी, तो उनके लिए एक यहाँ पे नोटिस और है कि अगर आप अभी तक अपना किताब नहीं परचेस किए, बुक परचेस नहीं किए, तो अगर आप बुक परचेस नहीं किए हैं तो आप जो है हमारे चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सअप नंबर से आप कांटेक्ट करके यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आंसर बुक आता है स्कैनर बोल के, आपका सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 सारे सेमेस्टर का आपको मिल जाएगा। तो वो स्कैनर बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 10 रुपया पे करके आप ले सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, उससे कांटेक्ट करके आप कॉन्टैक्ट करके ये 10 रुपीज़ पे करके और जो आप उस बुक को ले सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर का बंगला वर्सन और इंग्लिश वर्सन दोनों अवेलेबल है, सेकंड सेमेस्टर का भी बंगला वर्सन और आपका इंग्लिश वर्सन दोनों अवेलेबल है, और 10 रुपया करके एक PDF का आपको पड़ेगा, यानी कि पूरा बुक का जो है PDF बना हुआ है, और उस PDF को आप ले सकते हैं, लेके अपना फ़ोन से ही सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स आने का संभावना ज़्यादा रहता है अगर आप पहले से पढ़ के जाते हैं, तो इसीलिए आप एक बार देख लीजिएगा। और प्रैक्टिकल असाइनमेंट जिनका कंप्लीट नहीं हुआ वो भी हमारे चैनल पर जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा वीडियो का लिंक मिलेगा, या फिर वीडियो के अंत में देखिएगा आपको दो इस तरह से चैनल में दो वीडियो शो होगा, तो इस साइड में जो वीडियो रहेगा वो जहाँ आपका फोर्थ सेमेस्टर का प्रैक्टिकम का प्लेलिस्ट मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको हर प्रैक्टिकम का वीडियो मिल जाएगा, उसको देख के आप अपना प्रैक्टिकम असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं और कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। जिनका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ वो इसको बना लीजिए देख के और कॉलेज में सबमिट कीजिए। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, आज का जानकारी अच्छा लगा, आज इस वीडियो में यही जानकारी देना था। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मिलते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस प्रकार का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।